शम्बरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः शांति शांति ही। उस परमात्मा के लिए कहा गया, आप बुद्ध्यः, आप बुद्धे भी हैं। बुद्धे बुद्धनम अंतरिक्ष के नाम में पढ़ा गया है। बुद्धनम का मतलब है अंतरिक्ष और बुद्ध्य का मतलब है बुद्ध में जो है, बुद्ध में जो विद्यमान है। आप समस्त अंतरिक्ष में व्याप्त हैं। और बुद्धनम अंतरिक्ष को क्यों कहा गया कि वहां पर भी बद्धा अस्मिन् धृता इति, जिसमें सब बंधे हुए हैं, धृत हैं, धारित हैं, उसको बुद्धनम कहते हैं। बंध अर्थ में है यहां पर। एक तरह से हम अंतरिक्ष में बंधे हुए हैं। वो अंतरिक्ष इतना विस्तृत है कि हम उससे बाहर ही नहीं जा सकते कहीं। और इसमें जो विद्यमान है ऐसा वो परमात्मा इस समस्त अंतरिक्ष में विद्यमान है, इसलिए परमात्मा को बुद्धिम कहा। महर्षि कहते हैं सब जगत के मूल कारण और अंतरिक्ष में भी सदा आप ही पूर्ण रहते हैं, समस्त अंतरिक्ष में आप फैले हुए हैं। एक बात महर्षि ने यहां और लिखी कि ये आप सब जगत के मूल कारण है, सब जगत के मूल कारण है। सब जगत के अंदर जड़ पदार्थ भी आ गए और चेतन भी आ गए, उन सब का मूल कारण परमात्मा है। और इसी शैली में आर्य समाज के नियमों में भी लिखा गया, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है, आदि मूल परमेश्वर है। तो इन सब वाक्यों से अनेक लोग भिन्न अर्थ ले लेते हैं कि महर्षि ये मानते थे कि ब्रह्म से ही, परमात्मा से ही ये जड़ जगत बना है, यानी वो उसका उपादान कारण है और आत्मा भी उसी से बनी है। लेकिन महर्षि के वाक्य भी एकदम स्पष्ट हैं, अन्य जगह एकदम स्पष्ट हैं, उनका सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है, इसलिए इन वाक्यों से वो अर्थ कभी नहीं लिया जा सकता। प्रश्न उठता है कि परमात्मा आदि कारण कैसे है, मूल कारण कैसे है। जब भी हम आदि कारण की बात करते हैं, मूल कारण की बात करते हैं, तो हम उपादान कारण अर्थ लेने लग जाते हैं। कारण माने अनेक प्रकार के, उपादान कारण भी होता है, निमित्त कारण भी होता है, साधारण कारण भी होता है। तो ये तो कारण शब्द से गृहित हो गया, परमात्मा कारण है, कौन सा कारण है ये एक अलग बात है। इन कारणों में भी जो आदि कारण है, सबसे प्रारंभ का कारण है, इन कारणों में भी जो मूल कारण है, मूल कहते हैं जड़ को, बिल्कुल पहले वाला, आदि और मूल एक ही बात है। जो मूल कारण है वो कौन है? ये संसार बना कार्य जगत, जड़ जगत, इसका उपादान कारण भले ही मूल प्रकृति हो, सत्व रसतम जड़ पदार्थ, लेकिन इस सृष्टि की रचना का भाव विचार कहां पैदा हुआ? मूल प्रकृति को इस रूप में बदलने वाला जो परमात्मा है, वो उसकी इच्छा, उसका ईक्षण, उसका स्वभाव ये पहले सक्रिय होगा या तो मूल प्रकृति पहले सक्रिय होगी? प्रारंभ कहां से होगा? घड़े का मूल कारण यदि उपादान कारण हम मिट्टी को मानते हैं, लेकिन घड़ा सबसे पहले कहां उत्पन्न होता है? उसका प्रारंभिक कारण क्या है, आदि कारण क्या है और मूल कारण क्या है? मिट्टी है या कुम्हार के अंदर की इच्छा है? एक चित्रकार चित्र बनाता है, चित्र का मूल कारण आदि कारण क्या है? तो कोई कहेगा कि ये कपड़ा, कागज, ये रंग, ये इसके मूल कारण है, उपादान कारण है।
ठीक है उस रूप में, लेकिन ये चित्र बना कहां था पहले, इसकी योजना कहां बनी थी, क्या चित्र बनके अभी रखा हुआ है, यही इसका स्वरूप है। इसकी कोई योजना बनी थी, इसका कोई प्रारंभ था, वो कहां पर हुआ था, तो चित्रकार के मस्तिष्क में पहले हुआ था। वो चेतन है जिसने, मनुष्य चेतन है जिसने इसको कार्य रूप में बनाया, कार्य रूप में वो लाया, विचार किया, योजना बनाई और फिर तदनुसार करके वो लाया। तो प्रारंभ कहां से है, कारण का प्रारंभ कहां से है, उस चेतन के अंदर है। इसलिए चित्र का आदि कारण या मूल कारण चित्रकार होता है। इसी प्रकार इस ब्रह्मांड का, इस जगत का मूल कारण आदि कारण परमात्मा है। उपादान कारण के रूप में अर्थ नहीं लेंगे यहां पर। तो इसलिए महर्षि ने यहां लिखा कि सब जगत के मूल कारण आप हो। आगे कहा वाग असी ऐन्द्रम असी सदो असी, आप वाग हैं, वाणी स्वरूप हैं। महर्षि ने उसका अर्थ खोला, सब शास्त्र के उपदेशक अनंत विद्या स्वरूप होने से आप वाक हैं, आप उपदेश भी करते हैं और अनंत विद्या से युक्त हैं। फिर कहा ऐन्द्रम असि, आप ऐन्द्र हो, इंद्र और इंद्र का जो ये है उसे ऐन्द्र कहते हैं। तो परमेश्वरी स्वरूप, परमेश्वर का जो, परम ऐश्वर्य का जो ये है वो परमेश्वरी है, आप ऐसे हो। सब विद्वानों में अत्यंत शोभायमान होने से आप ऐन्द्र हो। विद्वान इंद्र है, ऐश्वर्य से युक्त हैं, और उन इंद्रों का भी जो है, उन इंद्रों का भी जो पूज्य है, उन इंद्रों का भी, विद्वानों का भी जो आदरणीय है वो परमात्मा है, इसलिए वो ऐन्द्र है। आगे कहा सदो असी, आप सतह हैं, स्थान है, निवास के स्थान है। ये सारा संसार आप में ठहर रहा है, इससे आप सद हो। ऐसी ने कुछ भाव खोला, आप सभा हो, जैसे सभा में हम रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, वो एक स्थान होता है, ऐसे ही परमात्मा सद स्वरूप है, सदन है, निवास का स्थान है, और वो ऐसी सभा है जहां पर ज्ञान की चर्चा चलती है, जहां पर न्याय होता है, जहां निर्णय होते हैं, जहां श्रेष्ठ श्रेष्ठ लोग आते हैं और उसका एक नियंत्रक होता है। आप एक सभा के रूप में हैं, हम जैसे आपकी सभा में बैठे, कि आपकी एक सभा चल रही है, जैसे विद्वानों की सभा है, राजा की सभा है, ऐसी ही सभा चल रही है संसार, उसमें हम विद्यमान हैं। परमात्मा के इतने गुणों को बता करके अब प्रार्थना की जा रही है, यह प्रभु ऋतस्य द्वारौ मामा संताप्तम। ऋत के द्वारों, दो द्वार है, रित यानी सत्य, रित यानी आनंद, रित यानी मोक्ष, उसके दो द्वार हैं। द्वार शब्द यहां पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त किया गया है, लोक में नपुंसकलिंग है, द्वितीया का द्विवचन। ऋतस्य द्वारों, मेरे जो रित के द्वार हैं उनको मामा संताप्तम, उनको कष्टप्रद मत कर। ये रित के, मुक्ति प्राप्ति के कौन से दो द्वार हैं, तो महर्षि लिखते हैं सत्य विद्या और धर्म, ये दोनों मोक्ष स्वरूप आपकी प्राप्ति के द्वार हैं। रित का मतलब मोक्ष स्वरूप परमात्मा, परमात्मा मोक्ष स्वरूप ही है, परमात्मा को पाना यानी मोक्ष को पाना है, मोक्ष को पाना यानी परमात्मा को पाना है, परमात्मा मोक्ष स्वरूप है, वही रित है। और आपके दो द्वार हैं, एक सत्य विद्या और दूसरा धर्म। सत्य विद्या ज्ञान हो गया, हमारे मन मस्तिष्क में शुद्ध ज्ञान रहे, सत्य विद्या रहे, संस्कार हमारे शुद्ध रहे, ज्ञान हमारा शुद्ध रहे, और धर्म का मतलब है कर्म, जो हमारे पुण्य है वो हमारे पास रहे। इन दो से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त करेगा, शुभ कर्मों से और शुद्ध ज्ञान से, ये दोनों द्वार हैं। उपासना भी एक तरह का कर्म ही है,
उपासना भी कर्म ही है, वो धर्म के अंतर्गत आ जाएगा। ये द्वार है, लेकिन ये दो द्वार ऐसे नहीं है कि चाहे जिस द्वार से चला जाए, ये दोनों द्वार है, दोनों से होकर के गुजरना होता है। जैसे प्राचीन किले होते थे, चित्तौड़ का किला देखिए, उसमें 7 द्वार है, मेरे को जैसा ध्यान आ रहा है। एक दरवाजा पार करते हैं, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, रास्ते के अंदर द्वार एक के बाद एक द्वार आते जाते हैं, उन सब द्वारों में से जाना होता है। दो अलग अलग द्वार नहीं है ये, तो ऋत के ईश्वर की प्राप्ति के 2 द्वार हैं, ज्ञान और कर्म, संस्कार वासना रूप संस्कार और धर्माधर्म संस्कार। इसमें संस्कार यानी शुभ संस्कार सत्य विद्या और धर्माधर्म संस्कारों में से कर्माशय में से धर्म यानी पुण्य निष्काम कर्म अच्छे कर्म, ये 2 आपकी प्राप्ति के द्वार हैं। बाकी सब चीजें साधन है, बाकी सब चीजें हमारी इन 2 के लिए बने। तो इनको संताप युक्त हम लोगों के लिए कभी मत रखो। आर्य को यह कामना करनी है कि ये दोनों चीजें मुझे प्राप्त हो, इन दोनों द्वारों से निकलूं और सुखपूर्वक निकलूं। और परमात्मा को कहा कि आप इनको कष्टप्रद मत रखो। इसका मतलब है कि परमात्मा इनको कष्टप्रद कभी नहीं रखता है, परमात्मा ने इनको कष्ट रहित बनाया है। हम अपने व्यवहार से ज्ञान से इसको कष्टयुक्त समझ लेते हैं, कष्टयुक्त कर लेते हैं। परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है कि हम इसको कष्ट रहित ही माने। विद्या की प्राप्ति आनंद युक्त होती है, लेकिन किसी को कष्टप्रद भी लगती है, उसका अपना कारण है। पुण्य का कर्म कष्टप्रद नहीं है, वो सुखप्रद है, सुख सुखी सुखी बड़े आनंद से उसको किया जा सकता है, लेकिन हम उसको कष्टप्रद समझ लेते हैं। एक दृष्टि से यह अर्थ। दूसरा कि हमारे जिन कर्मों के कारण से हमें विद्या प्राप्ति में और धर्म की प्राप्ति में कष्ट हो रहा है, हमारे कर्म ऐसे रहे कि और हमारी स्थिति हमने ऐसी बना रखी कि हमें कष्ट हो रहा है इसके अंदर, परमात्मा ने हमें हमारे कर्म के अनुसार ऐसा शरीर बुद्धि आदि दिए हैं जिनसे हमें कष्ट हो रहा है अभी इनको प्राप्त करने में। तो हम परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, हे परमात्मा मेरे जो पुण्य हैं उनका फल ऐसा दो मेरे को कि इन दोनों की प्राप्ति में मेरे को कष्ट ना हो, आप ऐसा फल दीजिए। मेरे को और कोई संसार की सुख सुविधा नहीं चाहिए, मेरे को इन दोनों को संग्रहित करना है, सत्य विद्या को पाना है और धर्म को पुण्य को संग्रहित करना है। इसके लिए मेरे को कष्ट ना आए, जो चीजें आवश्यक हो बस मेरे को वो मिलती रहे, यही परमात्मा से कामना है। इस रूप में परमात्मा इनको कष्ट से रहित करेगा। तो हमारे लिए इनको कभी कष्ट युक्त संताप युक्त मत रखो, किंतु सुख स्वरूप ही खुले रखो। ये दोनों मार्ग मेरे खुले रहें, मैं ज्ञान प्राप्ति के लिए सदा उद्यत रहूं, ये रास्ता मेरा हमेशा खुला रहे, विद्या प्राप्ति का रास्ता मेरा कभी बंद ना हो, ये कामना कर रहा है आर्य। और धर्म करने का रास्ता मेरा कभी बंद ना हो, धर्म मैं कर सकूं, सदा मेरे लिए अवसर बने रहे, ये कामना कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी और अच्छी कामना है। ज्ञान प्राप्ति का मेरा रास्ता कभी बंद ना हो और धर्म करने का मेरा मार्ग कभी बंद ना हो, ये दोनों चीजें मेरी सदा खुली रहे। तो इन दोनों मार्गों को खुले रखो, जिससे हम लोग सहज से आपको प्राप्त हो सके। इसके निहित अर्थ ये भी हैं कि जो व्यक्ति अपने इन 2 मार्गों को बंद कर लेता है या हमेशा खुला नहीं रखता है, वो परमात्मा को सहज प्राप्त नहीं कर पाता है, उसको कठिनाई होगी, देर लगेगी, समस्याएं होंगी। और जिस व्यक्ति ने अपने इन 2 मार्गों को खुला रख रखा है, वो परमात्मा को सहज प्राप्त करेगा, धर्म भी कर रहा है, पुण्य भी कर रहा है और सत्य ज्ञान के लिए भी प्रयत्नशील है। अपने को इसी तरफ जिसने लगा रखा है वो परमात्मा को सहज प्राप्त कर सकेगा। ये मुक्ति प्राप्ति का, परमात्मा की प्राप्ति का बड़ा सहज रास्ता वेद में जो कहा गया, महर्षि ने इतने अच्छे ढंग से इसको खोला। और परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है
अथ्वानाम अथ्वपते, हे मार्गों के स्वामी। अथ्वानाम बहुत सारे मार्ग हैं, उन सब मार्गों के आप पति हो, स्वामी हो, तो मार्ग आपके निर्देशन में ही चलते हैं। परमात्मा की प्राप्ति का तो एक ही मार्ग है, नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, लेकिन यहां बहुवचन में कहा अथ्वानाम अथ्वपते, बहुत सारे अथ्व हैं, भिन्न भिन्न लक्ष्यों के लिए भिन्न भिन्न अथ्व हैं, मार्ग हैं। इसलिए महर्षि ने देखिए क्या खोला इसको, हे अथ्वपते, परमार्थ और व्यवहार मार्गों में, मार्ग दो कर दिए महर्षि ने, एक परमार्थ का मार्ग और एक व्यवहार का मार्ग। मुक्ति का मार्ग, परमार्थ का मार्ग, वो तो एक ही है वेद में जो कहा है नान्यः पंथा, लेकिन व्यवहार के भी तो मार्ग हैं, व्यवहार के भी तो बहुत लक्ष्य हैं, उन मार्गों में भी हमें प्रार्थना जो आगे की जाएगी वो स्थितियां रहे, अनुकूलता रहे। तो परमात्मा अध्वानाम पति है, बहुत सारे मार्गों का पति है, मंत्र में कहा अध्वानाम अथ्वपते। प्र मा तिरा, मां मेरे को तिरा तारय, पार कर दे, प्रतारय प्रकर्ष रूप से तार कर दे, तार दे, ये जो मार्ग है मेरा बहुत अच्छी तरह से पार हो जाए। प्र मा तिरा, यह जो मां है इस पे वैसे स्वरित का चिन्ह लगा है, मां अनुदात्त होता है और स्वरित होता है, जब अनुदात्त होता है तो वो अपने मां माने मेरे लिए होता है, और स्वरित होता है तो निषेध अर्थ में होता है, नहीं, जैसे शांति पाठ में सा मां शांति रेधी, अब यहां जो मां है वो अनुदात्त है, सा मां शांति रेधी, वो शांति मुझे प्राप्त हो, इसके दोनों अर्थ किए हैं महर्षि ने। ये जो मां है प्र उदात्त है, उदात्त से परे अनुदात्त को स्वरित हो गया, उदात्ताद अनुदात्त से स्वरित, ये अर्थ है। इसलिए एक अर्थ क्या है वेद भाष्य में महर्षि ने क्या अर्थ किया इसका, प्र मा तिर, हे परमात्मा मुझे प्र तिर अच्छी तरह तार दो। और यहां क्या अर्थ है, यदि इस मां को स्वरित मानेंगे तो तिर का मतलब किया क्लेश मत दो, मार्गों में मुझको कहीं क्लेश मत दो, मा तिर मेरे को क्लेश मत दो, निषेध अर्थ में दोनों तरह से अर्थ हुए, प्र मा तिर। और आगे कहा स्वस्ति में अस्मिन पथि देवयाने भूयात, मेरा अस्मिन पथि इस मार्ग में, परमात्मा अध्वपति है, उसको कहा कि मेरा इस मार्ग में, किस मार्ग में, देवयाने इस देवयान मार्ग, देवता लोग जिस मार्ग पर चलते हैं उस मार्ग में स्वस्ति भूयात, कल्याण हो जाए। परमात्मा को मैं इन इन गुणों वाला देखूं जो इन मंत्रों में कहा गया, ऐसा मानते हुए मेरी कामना है मेरे रित के ये जो दोनों द्वार हैं ये सदा खुले रहें और सरल रहें, दोष रहित रहें, कष्ट रहित रहें, और मेरा ये जो देवयान मार्ग है इसमें कल्याण हो जाए, ये रास्ता मेरा सफल हो जाए, ये प्रार्थना आर्य ने की है। आर्य देवयान मार्ग पर ही चलता है, देवयान के लिए ही, देवताओं के मार्ग पर ही, मुक्ति प्राप्ति के मार्ग पर ही वो चलता है, उसी के लिए वो सारी प्रार्थना करता है, उसी के लिए परमात्मा का ध्यान करता है, उसी के लिए परमात्मा को इन इन रूपों में स्वीकार करता है।